वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 7, न्यूट्रिशन एंड डाइट इन क्लास सिक्स जनरल साइंस इंग्लिश। तो बच्चों, आज क्लास सिक्स में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 7, न्यूट्रिशन एंड डाइट। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो बच्चों, आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में या पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। न्यूट्रिशन एंड डाइट, बच्चों आप अपनी लाइफ में, डेली जो लाइफ होती है, तो आप हमेशा हेल्दी डाइट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हमें हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, हमें अनहेल्दी जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। तो कैन यू रिकॉल विच आर द वेरियस ग्रुप ऑफ फूड स्टफ, नेम द वंस यू सी इन द पिक्चर, विच मेन क्वान्टिटी ऑफ फूड डू यू गेट फ्रॉम दैम। अभी आपको नज़र आ रहा है ये फूड स्टफ, जैसे हम डेली अपनी लाइफ में हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिश का, चिकन का, एग्स का, मिल्क का, ऑयल का, बटर का, ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, हम पल्सेस लेते हैं, वीट खाते हैं, राइस लेते हैं, हम वीट फ्लावर लेते हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स का भी, हम ग्रीन वेजिटेबल का भी इस्तेमाल करते हैं। लिविंग थिंग्स टेक फूड वाटर एंड यूज देम फॉर वैरायटी ऑफ पर्पज सचेस। अभी जो लिविंग थिंग्स है वो खाने का इस्तेमाल खाना पानी का इस्तेमाल ज़रूर करता है, चाहे वो एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, ह्यूमन बींग हो गए। उससे हमें एनर्जी मिलती है, ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके, टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शन ऑफ द डे, टू फाइट डिसीज। तो हम ऐसे हेल्दी डाइट को इसलिए फॉलो करते हैं कि अगर हम अच्छी हेल्दी डाइट खाएंगे, हम हेल्दी डाइट खाएंगे, हेल्दी वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे, हेल्दी फूड्स लेंगे, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी अच्छी होगी, हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शन है, लंग्स है, ब्रेन है, हार्ट है, वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो जिस तरह हम बीमारियों से बच भी सकेंगे। न्यूट्रिशन एंड फूड स्टफ, देर आर सिक्स मेन न्यूट्रिशन इन आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिंस एंड मिनरल्स। दिस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, वी ईट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। अभी न्यूट्रिशन है क्या, जैसे न्यूट्रिशन क्या है, ये एक एनर्जी है, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिंस, मिनरल्स, ये सब हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन से फूड में, जैसे राइस में क्या होता है, वीट में क्या होता है, दाल में क्या होता है, वेजिटेबल्स में क्या होता है, फ्रूट्स में क्या होता है, वाटर के अंदर क्या है, वाटर हम में के अंदर क्या होता है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। इन लिविंग थिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर यूजिंग इट्स ग्रोथ फॉर अदर पर्पज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ फूड यूजफुल फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अभी यहाँ पे जो लिविंग थिंग, जैसे वी आर ह्यूमन बींग, और जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो भी फूड्स लेते हैं। अगर हम फूड खाएंगे नहीं, अगर हम हेल्दी डाइट को, अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लंच नहीं करेंगे, स्नैक, इवनिंग स्नैक नहीं लेंगे या डिनर नहीं लेंगे, तो हमारी ऑब्वियसली हमारी जो अंदर इंटरनल जो ग्रोथ है वो कम होती जाएगी। तो हमारे, जैसे हमें अगर लाइफ जीना है, अगर हमें ज़िंदा रहना है, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट को फॉलो करना ज़रूरी है। अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग हो, तो हर किसी को खाना चाहिए। सीरियस एनर्जी गिविंग न्यूट्रेंट कार्बोहाइड्रेट, अवर मेन नीड इज़ ऑफ एनर्जी। अभी हमारी जो ताकत हमें कहाँ से मिलती है, इट इज़ फुलफिल बाय कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमारी जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हैंस आवर डाइट इंक्लूड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सीरियल इन द फॉर्म ऑफ राइस, चपाती और रोटी, भाकरी, ब्रेड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सीरियल आर आवर स्टेपल फूड। अभी यहाँ पर जो सीरियल से हमारा एक स्टेपल फूड बन गया, जैसे हम ब्रेकफास्ट में हम या सैंडविच ले लेते हैं, पोहा ले लेते हैं, उपमा, इडली, डोसा ले लेते हैं, हम भुर्जी ब्रेड खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, पराठा खा लेते हैं, तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है सिंपल सा। और लंच हमारा क्या होता है, लंच में हम क्या लेते हैं, लंच में हम राइस, रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्न्स, ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा स्टेप फूड। डिनर में भी हम हैवी फूड ही लेते हैं, हम राइस लेते हैं, कभी कभी मीट ले लेते, कभी कभी एग्स ले लेते, कभी कभी नॉनवेज ले लेते। तो हमारे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे हमारी कार्बोहाइड्रेट हमें किन में मिलता है, राइस, चपाती, रोटी, भाकरी, सीरियल, इन सब चीज़ों में से मिलता है। अभी आपको फैट्स नज़र आ रहा है,
सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इट इज ऑल्सो फुलफिल बाय फैटी एसिड्स सच एज ऑयल, घी और बटर। अभी आपको नज़र आ रहा है, जैसे आपके घर में आपने किचन में देखा होगा ऑयल, जैसे मम्मा जब कोई खाना बनाती है, कभी कुछ फ्राई फूड बनाती है, जैसे कभी मम्मा कुछ पकोड़े या कुछ ऐसी सब्जी बनाती होगी, तो देखो उसमें ऑयल ज़रूर डालती होगी, या घी, घी में आपको जैसे रोटी में घी लगा के देती होगी, बटर जैसे आपको ब्रेड में लगा के देती होगी। वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट, हीट इज मेजर इन किलो कैलोरीज, अभी जो हीट रहती है गर्माहट, हैंस द एनर्जी इन फूड आइटम ऑल्सो मेजर इन किलो कैलोरी कैलोरीज। अभी यहाँ पे जैसे फैट्स, अभी फैट्स किन किन चीज़ों में रहता है, जैसे ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, इन चीज़ों भरपूर क्वांटिटी में फैट्स प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो जो हीट रहती है जैसे कैलोरीज में काउंट होती है किलो कैलोरीज में। चिल्ड्रन ऑफ ग्रोइंग एज नीड टू गेट अप्रोक्सीमेटली 2000 to 2500 कैलोरी फ्रॉम द फूड दे ईट। अभी यहाँ पे जो यंग बच्चे रहते हैं, जो 5 साल के 6 साल से 8 साल के, उनको मतलब ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है ताकि वो उनकी जो हड्डियाँ हैं, बोन्स वगैरह काफ़ी स्ट्रांग बन सके। अभी हमें प्रोटीन्स, अभी हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में प्रेजेंट रहता है, अभी जितने सीरियल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, दाल है, राइस है, वीट है, ओट्स हैं, आपको जवार, कॉर्न, बाजरा नज़र आ रहे हैं, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फैट्स आपको पता चल गया, फैट्स किन चीज़ों में प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे आपको नज़र आ गया होगा, ऑयल है, घी है, बटर है, इन सब चीज़ों में क्या फैट प्रेजेंट रहता है। अभी यहाँ पे हम प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन किन चीज़ों में प्रेजेंट रहता है। वी नीड प्रोटीन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द वेयर टीयर ऑफ द बॉडी एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेस, वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द स्प्राउट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड एग्स इन आवर फूड। अभी आपको नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको मिल्क नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये क्या है बच्चों, नट्स हैं, एग्स हैं, फिश, और यहाँ पे आपको पनीर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको स्प्राउट नज़र आ रहा है, इन सब चीज़ों में फुल भरपूर क्वांटिटी में, फुल क्वांटिटी में हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे हम दाल खाते हैं, एग लेते हैं, या नट्स लेते हैं, या कॉर्न, या हम ये लेते हैं, स्प्राउट लेते हैं, तो इन सब चीज़ों में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। अभी यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन्स की बात करेंगे, मिनरल्स विटामिन्स, टू इम्प्रूव द बॉडी रेजिस्टेंट टू डिक्रीज फॉर अदर लाइफ प्रोसेस द बॉडी नीड्स विटामिन्स मिनरल एंड फाइबर इन द डाइट। अभी जैसे हमें बॉडी की से हमें जैसे हमें यहाँ पे बहुत से लोगों को बीमारी होती है, किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, फीवर हो गया, तो हमें डॉक्टर ये एडवाइस करते कि हमें हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। यू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अभी हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। यू रिक्वायर विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन हमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही कम क्वांटिटी मिलता है, बट डेफिशिएंसी लीड टू वेरी डिजीज, लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। अभी हमें जैसे हमें भरपूर क्वांटिटी में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, और हमें न्यूट्रिशन, हमें फाइबर्स भी मिल जाता है, मिनरल्स भी मिल जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से, लेकिन अगर इन सब की कमी आएगी, जैसे विटामिन्स हमें वेजिटेबल से मिल जाता है, मिनरल्स भी हमें फ्रूट वेजिटेबल से मिल जाता है, अगर इन चीज़ों की कमी आएगी तो हमारे बॉडी में ज़रूर डिजीज हो जाएगी। द बॉडी नीड सर्वर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। अभी यहाँ पे जो भी बॉडी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, जैसे हमें लिक्विड क्वांटिटी की जैसे फ्रूट्स की ज़्यादा जरूरत होती है, द टेबल बिलो गिविन सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सब मिनरल एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन इन द बॉडी, द वेरियस सोर्स ऑफ मिनरल एज वेल एज द डिजीज कॉज बाय डिफिशेंसी। अभी यहाँ पे मिनरल्स आपको नज़र आ रहे हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, आयरन कैरिंग, उनका फंक्शन क्या है, कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे जो आयरन जो है एक मिनरल का नाम है, वो सारी जितने भी बॉडी में ऑक्सीजन को स्प्रेड करता है। अब इसका सोर्सेस कहाँ है, कहाँ से मिलता है हमें आयरन, मीट, जैसे हम मटन खाएंगे या पालक खाएंगे, एप्पल खाएंगे या रेजिन किशमिश खाएंगे, तो हमें इनमें से हमें आयरन मिलेगा। अभी ये कौन सी बीमारी से, अनीमिया, मतलब अगर ये आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी हो जाएगी, अनीमिया की बीमारी हो जाएगी, तो हमें आयरन हमारी बॉडी में ज़रूर रहना चाहिए। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, अभी कैल्शियम फॉस्फोरस क्या है, कैल्शियम फॉस्फोरस किस चीज़ का काम करती है, हमारे जो बोन्स में जो स्ट्रेंथ, ताकत देती है, और हमारी टीथ में जो कैल्शियम की कमी होती है, जैसे बहुत से लोगों को के दांत येलो रहते हैं और ज़्यादा वाइट नहीं, तो में कैल्शियम की कमी होती है। इनका सोर्सेज क्या है, हमें कैल्शियम फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट से मिलेगा। हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा, मिल्क प्रोडक्ट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल और मीट से मिलेगा। अगर कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो हमारे जो दांत है काफ़ी बुरे हो जाएंगे,
ब्रिटल वीक बस हमारी हड्डियों में कमज़ोरी हो जाएगी, तो हमें हमारी बॉडी में कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जैसे बहुत से लोगों को घुटने में या लेग्स में प्रॉब्लम होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती, तो उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी रहती है। आयोडीन, अभी आयोडीन कहाँ है, कंट्रोल ग्रोथ एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। अभी यहाँ पे जो आयोडीन है जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है कि हमारी कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो बॉडी में कंट्रोल करता है। अभी हमें आयोडीन कहाँ से मिलता है, रेजिन किशमिश से मिलता है, बीन से मिलता है, फिश से मिलता है, सी फूड, जितने भी नमकीन फूड रहते हैं, जितने भी सॉल्टी फूड रहते हैं, हमें आयोडीन वहाँ से मिलता है। अगर आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो हमें किसकी बीमारी हो जाएगी, गोइटर की। सोडियम एंड पोटाशियम, अभी ये जो सोडियम पोटाशियम का क्या काम है, मेंटेन द बॉडीज वाटर बैलेंस फंक्शनिंग ऑफ द मसल एंड द नर्वस सिस्टम, मतलब जितने भी बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस है, मसल का जो नर्वस सिस्टम का काम, सोडियम पोटाशियम करते हैं। अभी सोडियम पोटाशियम हमें कहाँ से मिलता है, नमक से, सॉल्ट से, चीज़ से, लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स और पल्सेस से मिलता है। अगर यहाँ पे सोडियम पोटाशियम की कमी रहेगी तो इनएफिशिएंसी ऑफ मसल, मतलब हमारे मसल जो है वो कमज़ोर होने लगेंगे। अभी यहाँ पे विटामिंस, वाटर सोलबल विटामिंस एंड वाटर इनसोलबल विटामिंस, आप देख रहे हो जैसे विटामिन बी, विटामिन सी डिसोल्व इजली इन वाटर, विटामिन बी सी जो है विटामिंस है जो वाटर के अंदर अच्छी तरह से डिसोल्व हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड वाटर सोलबल विटामिन, दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रो द वाटर इन द स्वेट एंड यूरिन, एंड द रेगुलर सप्लाई ऑफ दिस विटामिंस इज एसेंशियल। अभी यहाँ पे जो वाटर सोलबल है, जैसे आप डेली एक्टिविटी करते, फिजिकल कोई भी काम करते हो, तो आपकी बॉडी में पसीना ज़रूर निकलता है, या आपकी बॉडी से यूरिन ज़रूर निकलता है, आप वॉशरूम जाते हो, तो वो विटामिन सी के फॉर्म में निकलता है। विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। अभी यहाँ पे B1, B2, B3, B6, 9 दिखा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट टाइप्स के विटामिन बी है। अभी यहाँ पे वाटर इनसोलबल, जो वाटर के अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होते, दिस विटामिन आर इनसोलबल इन वाटर बट आर सोलबल इन फैटी एसिड, मतलब ये जो विटामिन है वाटर के अंदर तो इनसोलबल रहते लेकिन फैटी एसिड के अंदर सोलबल रहते हैं, दे गेट स्टोर इन द बॉडी। विटामिन ए, डी, ई एन के आर फैट सोलबल विटामिन, जैसे ये अब्जॉर्ब नहीं होते, क्या बन जाते, फैट बन जाते हैं, मतलब वाटर अंदर मतलब फैट के अंदर, फैटी एसिड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के हो गए, ये उनके अंदर मतलब फैटी एसिड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। विटामिन एंड सोर्सेज एंड फंक्शन, अभी यहाँ पे विटामिन ए नज़र आ रहा है, इसका फंक्शन क्या रहता है, हेल्प इन प्रोटेक्ट्स आइज, हेल्प टू कीप स्किन एंड बोन्स एंड टीथ एंड हेल्दी। अभी यहाँ पे विटामिन ए का फंक्शन क्या है, क्या करता है, आइज़ की प्रोटेक्शन करता है, स्किन की प्रोटेक्शन करता है, बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो, डीप येल्लो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इन सब चीज़ों से मिलता है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमें किस चीज़ की बीमारी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, मतलब हमें रात में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। जेरोडीमा मतलब ड्राई स्किन, मतलब हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी। B1 हेल्प इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस एंड हार्ट। अभी यहाँ पे जो है B1 है, क्या किस चीज़ का काम करते हैं, हमारे नर्वस फंक्शन का काम करना और हार्ट का काम करना। अभी ये विटामिन B1 किस में है, मिल्क, फिश, मीट एंड सीरियल, नट्स एंड पल्सेस, मतलब हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, मीट से मिलता है, सीरियल से मिलता है, नट्स से, पल्सेस से मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हमें विटामिन B1 की कमी रहेगी तो हमें किस चीज़ की बीमारी हो जाएगी, बेरी नर्व डिसऑर्डर, मसल वीकनेस, इफिशेंसी, विटामिन B9, मतलब हमारी ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी को ग्रोथिंग में करना है। ये हमें कहाँ से मिलता है, डीप ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पपैया, कीवी से मिलता है, मतलब जो भी हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और जो भी पपैया है, कीवीस हो गया, अगर इसकी कमी हो गई तो इम्प्रॉपर ग्रोथ, एनीमिया, फॉरगेटफुलनेस, लो मोमेंट, मतलब हमारी भूलने की बीमारी ज़्यादा रहेगी। विटामिन B12 फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, अभी यहाँ पे जो B12 है वो हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क का, मीट और मिल्क प्रोडक्ट से, अगर इसकी कमी होगी तो हमें एनीमिया की बीमारी होगी। अभी विटामिन सी प्रोटेक्ट बॉडी टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, प्रोटीन एसेंशियल फॉर गम्स एंड
फॉर गम्स टीथ एंड बोन्स एंड स्किन. जैसे ये हमें कहाँ से मिलता है, आंवला, कीवी, ऑरेंज, अदरक, सिट्रस फ्रूट, कैबेज और टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल. अभी अगर इसकी कमी होगी तो हमें स्कर्वे, ब्लीडिंग ऑफ गम्स जैसे हमारे तीतों में होती है, थायराइड मेल फंक्शन, डिले इन हीलिंग ऑफ वाउंड मतलब जख्म को सुखाने में. अभी विटामिन डी की बात करेंगे. एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. अभी यहाँ पे जो विटामिन डी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस को अच्छी तरह से हड्डियों में और टीथ में एब्जॉर्ब कर लेता है. ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट विटामिन डी इज मेड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सम सब्सटेंस इन मिल्क, फिश, एग्स एंड बटर. अभी इसकी क्या है, जैसे बीमारी, जैसे अगर इसकी कमी होगी तो हमें रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी विटामिन डी की. सॉफ्टनिंग ऑफ बोन कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर मतलब हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने जाएगी, हमारी हड्डियों में बिल्कुल ताकत नहीं रहेगी. तो विटामिन डी का हमारी बॉडी में रहना बहुत ज़रूरी है. विटामिन ई, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल. अभी यहाँ पे विटामिन ई का क्या काम है, जो सेल्स को क्या करना, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना. अभी यहाँ पे अगर इसकी, ये हमें कहाँ से मिलता है, वीट, गम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टेंडर लीस वेजिटेबल ऑयल्स. अभी यहाँ पे इसकी कमी रहेगी तो क्या होगा, वीक मसल इन ऑब्जेक्शन प्रोडक्शन एंड स्किन डिसऑर्डर मतलब हमारी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और हमारे स्किन की भी बीमारी हो सकती है. विटामिन के, हेल्प इन क्लोटिंग ब्लड मतलब हेल्प, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना, खून को साफ करना. ग्रीन हमें कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउट, पल्सेस, येलो एग्स हमें इससे मिलता है. अगर इसकी कमी होगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी मतलब अगर इसकी कमी हो गई, जैसे ब्लड की, जैसे अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इंजर्ड हो जाते तो खून का बहाव ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स नज़र आ रहे, ग्रेन्स नज़र आ रहे. ऑलवेज रिमेंबर सम वाइटामिन्स आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट मतलब कुछ वाइटामिन्स बहुत ही हीट एंड लाइट से. फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन सी इज ईजली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कुकिंग, तब वाइटामिन सी बहुत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि अगर हम जो वेजिटेबल्स लाते हैं उसको कट करते हैं, उसे हम एकदम हीट में पकाते हैं तो जितना भी वाइटामिन सी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है. देयरफॉर वाइटामिन सी रिच फूड शुड बी ईटन रो. वाइटामिन सी के जो रिच फूड रहते हैं हमें कच्चा खाना, जैसे टोमाटो हो गया, कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, तो हमें रॉ खाना चाहिए, इससे हमें भरपूर विटामिन सी मिलेगा. इन द पास्ट कैसीमीर फंक वॉज अ साइंटिस्ट हु बिलोंग टू पोलैंड इन यूरोप. इन अ साइंटिफिक आर्टिकल ही हैड दैट पीपल हु आर एट ब्राउन राइस वॉर पीपल हु एट ब्राउन राइस वॉर लेस लाइकली टू गेट बेरी बेरी देन दस हु एट मली फुली माइल राइस फुली मिल राइस. अभी यहाँ पे जो कश्मीर के जो एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे वो कहाँ से, पोलैंड में रहते थे लेकिन वो यूरोप में बिलोंग करते थे. लेकिन उन्होंने क्या, एक आर्टिकल में आया था कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वहाँ के लोगों को क्या देखा था कि वहाँ के लोग ब्राउन राइस ज़्यादा खा रहे हैं, वो मतलब वो ब्राउन राइस का इस्तेमाल काफ़ी कम कर रहे, लेकिन वो मिल राइस खा रहे हैं, जैसे हम वाइट राइस खाते हैं, ब्राउन राइस खाते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, तो इसमें किस चीज़ की कमी आ गई. ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई और आइसोलेट द सब्सटेंस विच प्रिवेंट द डिसीज, ही नेम इट विटामिन. ही ऑल्सो प्रपोज दैट अदर डिसऑर्डर लाइक स्कर्वे, पेलाग्रा, रिकेट्स वॉर ऑल्सो कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस विटामिन. अभी आपको नजर आ रहा है, ये जो स्कर्वे की बीमारी होती है, स्कर्वे की और रिकेट्स की और गॉइटर की, तो यहाँ पे कुछ विटामिन्स जो न्यूट्रिशन की कमी होती है हमारी बॉडी में, इसकी वजह से हमें ये बीमारियों को फेस करना होता है. प्रोबायोटिक, यू नो डेट द यूजफुल माइक्रोनिज्म विच कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट आर प्रेजेंट इन योगर्ट एंड बटर मिल्क. अभी आपने देखा हो कुछ ऐसे माइक्रोनिज्म जो कुछ हेल्पफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, दे आर प्रोबायोटिक. लैक्स ऑफ माइक्रोनिज्म रिसाइड इन आवर इंटेस्टाइन, दिस प्रेजेंस इन सच लार्ज नंबर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. हैंस टू मेंटेन देम इन आवर बॉडी वी शुड इंक्लूड प्रोबायोटिक सच एज योगर्ट, बटर मिल्क इन आवर डेली डाइट. जैसे हमें अगर वाकई हमें हेल्दी बनना है तो हमारे डाइट में योगर्ट बटर मिल्क को ऐड करना चाहिए. जैसे आप छाछ पीते होंगे, दही खाते होंगे. वेन यू सफर फ्रॉम लूज मोशन, वॉमिटिंग,
वी थ्रो आउट माइक्रोइज्म अलॉन्ग विद द इंस्टेंटली वाटर. सम मेडिसिन कैन ऑल्सो किल दैम. देयर फोर वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा योगर्ट मदर मिल्क टू रिस्टोर देयर नंबर्स. अभी आपने देखा होगा बच्चों, आप क्या करते होंगे, जैसे आप कभी कभी आपको वॉमिटिंग होती होगी या लूज मोशन होता होगा, तो जितने भी जर्म्स माइक्रोइज्म रहते हैं वो वाटर के फॉर्म में निकल जाते हैं. और जो कुछ हम मेडिसिन भी लेते हैं जो हमारे जर्म्स को मार देता है, इसलिए हमें हमारी डाइट में योगर्ट और बटर मिल्क का लेना चाहिए. हमारी डाइट हमें हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है. बैलेंस डाइट. ऑल डेट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डेज टूगेदर कॉल्ड आवर डाइट. आर डाइट कंटेनिंग एडोकेट क्वान्टिटी ऑफ ऑल न्यूट्रीज कॉल्ड बैलेंस डाइट. अभी हमारी डाइट में सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मीट ही ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, हमें पल्सेस ग्रेन सब कुछ लेना है. टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉडी वी नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन इन सफिशिएंट क्वान्टिटी इन योर डेली डाइट. अभी यहाँ पर अगर आपको एक बैलेंस डाइट लेना है तो आपको सारी चीज़ें खानी होंगी. सिग्निफिकेंस ऑन अ बैलेंस डाइट. इंक्रीज कैपेसिटी टू डू वर्क. गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. अब यहाँ पे हमारी जो इंक्रीज कैपेसिटी टू फाइट एंड रेजिस्टेंट डिजीज एंड हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. अगर हम एक हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, हम सब कुछ ले रहे हैं, वीट राइस फ्रूट्स वेजिटेबल सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको क्वान्टिटी नज़र आ रही है. फैटी सब्सटेंस ऑयल घी बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. मिल्क प्रोडक्ट मीट फिश एग्स का, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल पल्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये बैलेंस डाइट का पिरामिड है, ये सबको हम फॉलो कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैलेंस डाइट वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. ऐसा नहीं सिर्फ हम खाते जा रहे, खाने के साथ हमें रेगुलरली एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, जो हमारे लिए काफ़ी फिट और हेल्दी रहता है. हाउ टू गेट बैलेंस डाइट. अभी बैलेंस डाइट हमें कहाँ से मिलेगी. टू इंश्योर डेट वी गेट बैलेंस डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट वी कैन मेक अ फूड पैरामिड. अभी यहाँ पे बैलेंस डाइट हमें पैरामिड से मिलती है. ऑल फूड विच ई ईट इज क्लासीफाइड टू वेरियस ग्रुप. द स्पेस ऑल टू ईच फूड ग्रुप इन द पैरामिड डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन विच शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट. हेंस वी कैन चूज फूड फ्रॉम ईच ग्रुप डेली अकॉर्डिंग टू स्पेस अलॉटेड टू पैरामिड. If we choose some item from each group in the right proportion according to parameters shown as page number 53, we can make sure that we are getting a balanced diet. अभी अगर हमें balanced diet को follow करना है तो हमें सब कुछ लेना है, जैसे हमें सबको follow करना है. हमें cereal भी लेना, pulses भी लेना, fruits, vegetable, milk product, fatty substance सबका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है, तब जाके हमारी जो एक diet है complete balanced diet बनेगी. Always remember, if our food for nutrients made through the food we eat, that nutrients are better utilized in our body. Hence, the best way to good health is taking balance and diet, avoiding deficiency of nutrient. तो अगर हमें हेल्दी बनना है तो हमें बैलेंस डाइट को ज़रूर फॉलो करना है. तो यहाँ पर आपको देख रहे हो फाइबर. If you select a daily diet which include vegetables and sprouts, fruit and cereal, if you select a daily which include vegetables, फ्रूट स्पाउट सीरियल अकॉर्डिंग टू अ पैरामिड वी ऑल्सो गेट फाइबर इन सफिशिएंट क्वांटिटी. आपको देख रहे हो फाइबर्स, आपको ये फ्रूट्स वेजिटेबल में नज़र आ रहे हैं. कैन यू रिकॉल व्हाट ट्रबल डू यू हैव फेस टू इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट. व्हाट केयर मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फाइबर इज नॉट लॉस्ट रिमूव फ्रॉम द फूड वी ईट. अभी यहाँ पे आप क्या फॉलो करोगे, जैसे आप फेस कर रहे हो कि आपकी अगर आपको फाइबर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी. भी वाटर का क्या फंक्शन है. अलॉन्ग विद ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स द बॉडी आल्सो नीड एडोकेट सप्लाई ऑफ वाटर. मतलब सब कुछ, जैसे हम फैट्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे, प्रोटीन्स ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बॉडी में पानी का रहना भी ज़रूरी है. फॉर दिस पर्पज यू मस्ट ड्रिंक मिल्क बटर मिल्क लेमन जूस शरबत फ्रूट जूस प्लेंटी ऑफ वाटर. मतलब वाटर जो है प्लेन भी नहीं होना चाहिए, जैसे आप जूस भी पी सकते हो, शरबत लेमन जूस हो गया, फ्रूट जूस हो गया, प्लेंटी ऑफ वाटर हम ले सकते हो. मेलन्यूट्रिशन अकर वैन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर नॉट ऑब्टेन्ड इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन फ्रॉम द डाइट. दिस हैपन वैन पर्सन डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड वैन द डाइट इज नॉट बैलेंसिंग वन डाइट एक्सेप्ट इज कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन. अभी यहाँ पे मेलन्यूट्रिशन हमें किसको होता कि हमने ज़्यादा ले लिया, जैसे यहाँ पे मेलन्यूट्रिशन, जैसे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती तो हमारी बॉडी काफ़ी पतली हो जाती है, और हमने ज़्यादा ले लिया ओवर न्यूट्रिशन, हमने ज़्यादा खा लिया तो हम काफ़ी मोटे हो जाते हैं, हमारे बॉडी में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है.
यूज ऑफ ब्रेन पावर, चूज अ बैलेंस डाइट फॉर वन डे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, मतलब आपको एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना है, जंक फूड चॉकलेट नूडल्स बर्गर एंड पिज्जा चिप्स वाटर सॉफ्ट ड्रिंक अटैकली पैकेज स्नैक ऑल्सो और ऑल्सो रेडी फ्राइड फूड स्टॉप अवेलेबल इन द मार्केट सच एज वड़ा पकौड़ास एक्सेट्रा आर वेरी टेस्टी, वी लाइक देम वेरी मच। हाउएवर दिस फूड स्टॉप कंटेन रिफाइंड फ्लोर शुगर ऑल इन लार्ज प्रोपोर्शन, वैन रिफाइंड फ्लोर इज मेड फ्रॉम वीट और वैन शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर कैन, मैनी न्यूट्रिएंट्स इन द वीट और शुगर कैन आर लॉस्ट इन द प्रोसेस, हैंस यू ऑल यू गेट फ्रॉम फूड इज एनर्जी, हंगर इज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे आप जंक फूड तो ज़रूर खाते होंगे, जैसे आप आजकल का जो ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया, स्विगी जोमेटो से हम ऑर्डर करते हैं, हम मैकडी से खाते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाके हम पिज़्ज़ा खाते बर्गर खाते हैं, और यहाँ पे हम सॉफ्ट ड्रिंक भी पीते हैं, नूडल्स लेते हैं, क्योंकि हमें खाने में तो मज़ा आता है वड़ा पकौड़ा, लेकिन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी अनहेल्दी रहते हैं। हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी, अभी ओबेसिटी जिसे वैसे भी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा खाते बहुत मोटे बन जाते हैं, हैव अ बैलेंस डाइट, जिसे हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाना है, ईट होल ग्रेन, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद द स्किन, अभी आपको सिर्फ होल ग्रेन्स पूरा आपको फ्रूट्स वेजिटेबल मतलब खाना है, उसके स्किन के साथ खाना है, जो भी जैसे आप कुकुम्बर खा रहे हो, कैरेट खा रहे हो, बीटरूट खा रहे हो, तो उसके स्किन के साथ खाना ताकि आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिले। इंक्रीज यूज़ ऑफ बाईसाइकिल, मतलब आपको बाईसाइकिल ज़्यादा चलाना चाहिए, प्ले मोर आउटडोर, आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, अभी आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी, डू नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट हंगरी, मतलब अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आपको नहीं खाना है, डू नॉट वॉच टी वी वाइल ईटिंग, मतलब आपको ऐसे खाते खाते मतलब टी वी नहीं देखना चाहिए, इट्स अ बैड हैबिट, डू नॉट यूज़ मोटर व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग इन शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब आप जैसे शॉर्ट डिस्टेंस में आप वॉक करके जाओ, आपको ऐसा नहीं कि छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए आप मोटर व्हीकल कार या बाइसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हो। अवॉइड प्री कुक पैकेज फूड, मतलब आपको सब खाने को मना करना चाहिए, जैसे जो खाना पहले बन चुका है, जैसे वड़ा समोसा फ्राई आइटम कबाब हो गया, पैकेज फूड जो है वेपर चिप्स, ये आप खा सकते हो, लेकिन 15 दिन में 20 दिन में खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बिल्कुल ही नहीं खा सकते हो। नेचुरली इफ़ यू ईट लॉट ऑफ जंक फूड वी गेट इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आइटम फ्रॉम द अदर फूड ग्रुप, इफ दिस हैपन फ्रिक्वेंटली आवर बॉडी सून एक्सपीरियंस शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन विटामिंस मिनरल्स दे मे लीड टू मेलन्यूट्रिशन, अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं जंक फूड हो गया, चिप्स हो गया, बर्गर वड़ा वड़ा समोसा ज़्यादा खा लेते तो हमारी बॉडी में मेलन्यूट्रिशन ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। जंक फूड ईटन फ्रिक्वेंटली ऑल्सो कॉज ओबेसिटी, ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी में फैट आ जाता है, ओबेसिटी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, एट सच फूड डू नॉट सप्लाई ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, दे आर कॉल्ड जंक फूड, इसलिए हमें ये सब फूडों को अवॉइड करना चाहिए। Adulteration of food. In order to earn more profit, cheaper substance of low quality are mixed with the foodstuff. These substances are called adulteration, adding them to foodstuff. Adulteration of food. Adulterant may be even be poison, harmful health. Since adulterated food is impure, harmful, so unfit the consumption. जैसे हमें adult food, जैसे हो गया कि हमें कौन से बच्चे को कौन सा खाना देना चाहिए, बच्चे लोगों को कौन सा नहीं देना चाहिए, तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। Adulterant. Adulterant used to adulterant food are such that with they will remain unnoticed even mixed with the food, जो फूड के साथ मिक्स होते हैं। फूड आइटम जैसे हमने देखा मिल्क, adulterant क्या है जैसे वाटर केमिकल लाइक यूरिया स्टार्च, चिली पाउडर adulterant क्या है, ब्रिक पाउडर, पाउडर पम्पकिन, पेपर कॉर्न, पपैया सीड, आइसक्रीम, आइसक्रीम के अंदर adulterant क्या रहता है, वॉशिंग सोडा एंड पेपर पल, राइस स्मॉल वाइट स्टोन, मतलब ये सब चीज़ें हमें निकलती पत्थर वगैरह, पीनट, पीनट रेडिश पेपर से स्टोन, उसमें से लाल पत्थर का पत्थर निकलते, जैसे मिर्च में केमिकल लाइक यूरिया स्टार्च नजर आएगा, चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर आएगा, और पेपर कॉर्न में पपैया सीड हो गया, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। ऑलवेज रिमेंबर adulteration ऑफ फूड इज क्राइम, डू नॉट ईट adulterated फूड, आपको ऐसे केमिकल वाले फूड को नहीं खाना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ मिला हो। वॉट यू लर्न, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड वाटर यूजिंग देम टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ एंड बॉडली फंक्शन, मतलब न्यूट्रिशन जो ऐसा प्रोसेस है जो हमें हर तरह से मिलता है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स,
पैट्स सबका इंतज़ार करें, तो ये सबका हम सबको साथ में मिलना चाहिए था हमारी डाइट में। फ्रूट्स वेजिटेबल पल्सेस ग्रीन का इस्तेमाल करें। अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इन द राइट क्वांटिटीज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जैसे हम हर चीज़ का इस्तेमाल करते, थोड़ा हमने कार्ब्स लिया, फाइबर लिया, फैट लिया, मिनरल्स लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, रादर न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी। अभी जो भी हम इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का, तो हमें बैलेंस डाइट को हमें फॉलो करना चाहिए। द फूड पिरामिड हेल्प इन अस टू चूज बैलेंस डाइट। वेदर पर्सन इज मेल नरिश और हैज़ डिफिशेंसी डिसेज डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ फूड टेकन। जैसे हम जो भी ले रहे हैं, अब अगर हम हेल्दी डाइट को फॉलो करें तो हम बीमारी से दूर रहेंगे। जंक फूड गिव्स अस एनर्जी बट नॉट अदर न्यूट्रिएंट्स। जंक फूड हमें ताकत तो देता है लेकिन हमें बाकी की न्यूट्रिशन नहीं देता है। अडल्ट्रेट फूड इज़ इम्प्योर, हार्मफुल टू हेल्थ। अभी अडल्ट्रेट फूड वो गंदा रहता है, मतलब उसमें केमिकल रहता है, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नुकसान रहता है। तो आई होप आज का जो लेसन था हमारा, लेसन नंबर 7 न्यूट्रिशन डाइट, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।